तो चलिए आगे खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां भोपाल में दिवाली के मौके पर बाजार गुलजार हैं। बाजार में दूध से बने उत्पादों के साथ मिठाइयों की डिमांड भी बेहद बढ़ गई है, मिलावट खोर भी सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे में खरीदी के वक्त सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है, नहीं तो जायका मुसीबत का सबब बन सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिवाली पर मिठाइयों की बढ़ जाती है डिमांड, क्या ये मिठाई आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है? त्योहारी सीजन में आपके स्वास्थ्य के साथ हो रहा है खिलवाड़, त्योहारी सीजन में ही एक्टिव होता है विभाग, अभी तक सैंपलों की नहीं आई रिपोर्ट। रिपोर्ट आने तक घर घर पहुंच चुका होगा मिठाई। त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच मार्केट में कई प्रकार की मिठाइयां भी आ गई है, जिसके चलते लोगों ने दिवाली के लिए अभी से मिठाई का ऑर्डर दे दिया है। तो वहीं डिमांड ज्यादा होने से जनता को शुद्धता की गारंटी मिलेगी या फिर नहीं, ये कहना मुश्किल है। त्योहारी सीजन में मोटी कमाई करने के लिए मिलावट खोर भी एक्टिव हो जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस बार मार्केट में कौन कौन सी मिठाइयों की ज्यादा डिमांड है। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, तो वहीं मिठाइयां भी हैं जो सज चुकी, जो मिठाइयों के बाजार है सज चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की मिठाइयां जो हैं मार्केट में आ गई हैं। इसके अलावा अगर खाद्य सामग्री की बात करें तो मार्केट में चकली है और गुजिया है और नमकीन है, ये सारी चीजें आ चुकी। तो आज हम वही जानेंगे क्या कुछ वेराइटी इस बार आई है और किस मिठाई की इस बार सबसे ज्यादा मांग हो रही है। सर, अगर दिवाली की बात करें तो त्योहार शुरू हो गया है, तो इस बार कौन सी मिठाई जो है सबसे ज्यादा डिमांड में है? अधिकतर शुगर फ्री और कम शक्कर की मिठाइयाँ लोग मांगते हैं और घी की, क्योंकि लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, लोग कम शक्कर की मांगते हैं कि अधिकतर लोग डायबिटीज और है ना ग्लूटेन फ्री वगैरह मिठाई मांगते हैं। सर, इस बार अगर वैरायटीज देखें तो आपके पास क्या क्या वैरायटी है और किन की और डिमांड है, अगर शुगर फ्री के अलावा बात करें? इस बार हमारे पास दूध की मिठाइयाँ हैं, ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ हैं, शहद की भी एक दो मिठाइयाँ हैं और बेसन की। सर, अगर प्राइस की बात करें तो क्या कुछ प्राइस बढ़े हुए हैं इस बार मिठाइयों के? प्राइस बढ़े हुए हैं क्योंकि अब ये लगभग मान लीजिए पिछले साल के मुकाबले इस बार 150 से 200 रुपए का फर्क, क्योंकि पिछले बार के मुकाबले इस बार शक्कर भी बढ़ी हुई है और ड्राई फ्रूट के भी रेट बढ़े हैं और जो फ्यूल कंजम्पशन ना कहीं महंगाई का असर मिठाइयों पे भी दिख रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत है। बिल्कुल निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि जो मिठाइयां हैं सुबह से ही बनना शुरू हो गई, जिनकी डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है। आप अलग अलग प्रकार की मिठाई देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो मलाई टिकिया है जो बहुत ज्यादा खाई जाती है, लोगों को बहुत अच्छी लगती है। मलाई बर्फी की अगर बात करें, इसके अलावा केसर रोल भी है यहाँ पे, और जो हमेशा जो होती है काजू कतली, जिसकी हर समय जो है डिमांड रहती, वो भी यहाँ मार्केट में आ गई। अगर दूसरी साइड अगर हम देखें, यहाँ पर जो है नमकीन के पैकेट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, कुछ पपड़ी है वो रखी हुई है बेसन की, इसके अलावा जो चकली है वो भी है और गुजिया। तो इसके अलावा जो खाद्य सामग्री है वो सब यहाँ मार्केट में आ गया, ऐसा माना जा रहा है कि जो महंगाई है उसके कारण कहीं ना कहीं इनका असर भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मिठाइयों के दाम भी बढ़े हुए हैं। इसके अलावा जो खाद्य सामग्री है उसके दाम भी बढ़े हुए हैं। ये तो हो गई मिठाइयों की बात, अब बात आती है शुद्धता की। त्योहारी सीजन में बाजार में बिक्री के लिए लाए जा रहे दूध से बने उत्पादों जैसे कि मावा, मिठाइयां और पनीर की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण दुकानदार मिलावट कर ज्यादा मात्रा में खाद्य सामग्री का उत्पादन करते हैं, जिसे लेकर आम जनता का कहना है कि वो त्योहारों पर ऐसे बड़े प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री लेते हैं जहां से उनका सालों से विश्वास कायम है। यहां पर सबसे पहली बात साफ सफाई की रहती है, कभी मुझे एक कोई चीज़ नहीं मिलती, यहाँ पर साफ सफाई रहती है, गुणवत्ता रहती है, क्वालिटी रहती है, इतनी कोई भी चीज़ में आज तक मुझे कभी शिकायत नहीं आई है। यहाँ पर क्वालिटी और जो वस्तु यूज़ की जाती है, जो ड्राई फ्रूट या अदर जो कच्चा मटेरियल यूज़ किया जाता है, बहुत ही क्वालिटी का होता है। मिलावट तो देखिए, जो नई नई दुकानें खुल रही हैं आप उसमें विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जैसे इनकी बरसों पुरानी दुकान है, मतलब मेरे पैदा होने के पहले की दुकान है, यहाँ विश्वास वाली कोई बात ही ना, अविश्वसनीयता कुछ है ही नहीं। यहाँ तो आपको जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो चीज़ खराब रहती है मना ही कर देते कि फेंकने वाली है, इसको अपनी। तो वहीं दूसरी ओर दिवाली के मौके पर खाद्य सामग्री की जांच पर भी कई सवाल उठ रही हैं। मिलावट खोरों के खिलाफ प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, ऐसे में ग्राहकों को सचेत रहने की जरूरत है। पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो खाद्य विभाग ने 50 से ज्यादा प्रतिष्ठानों से सैकड़ों नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं।
लेकिन इनमें से अब तक कोई भी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन जब तक कार्रवाई होगी इससे पहले जहरीली मिठाई आपके घरों तक पहुंचे। ऐसे में खाद्य विभाग क्या कह रहा है और मिलावट पाए जाने पर सजा का क्या प्रावधान है, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी से ही सुन लीजिए। रिपोर्ट्स का जो प्रोविजन है वो लेबोरेटरी में पहुंचने के बाद 14 डेज का टाइम लेबोरेटरी के पास टेस्ट करने के लिए होता है, तो हमारे भेजने और रिपोर्ट हमें रिसीव करने के बीच में 14 दिन का समय उनको है। कुछ पोस्टेज जो रिपोर्ट आना या सैंपल जमा करना, इन सब के बीच का समय, तो हम एक रफ एक ड्यूरेशन माने तो करीब 20 दिन में रिपोर्ट हमें मिलती है। फूड आर्टिकल्स में इतनी इस तरह की बुराइयां नहीं होती हैं कि अगर हम फूड कंज्यूम करें तो हमें शरीर को इतना नुकसान हमारा हो जाए कि हमारा त्यौहार खराब हो जाए, इतनी बुराइयां मिठाइयों में या फूड आर्टिकल्स में नहीं होते। अगर फूड सेफ्टी एक्ट डिज़ाइन किया हुआ है और लेबोरेटरीज को 14 दिन का समय दिया हुआ है तो वो उसको कुछ सोच के किया गया होगा, क्योंकि ये व्यवस्थाएं कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बनाता, ये जो व्यवस्थाएं बनती है कानून से बनती हैं। तो संसद भवन में भी जब ये कानून बनता है तो उनके पीछे साइंटिफिक सोच होती है, उनको कमिटीज़ जो होती हैं एडवाइज़ करने के लिए, तो ऐसे सब कुछ चीज़ों को देखने के बाद ये ड्यूरेशन तय किया जाता है कि कितने दिनों तक में टेस्टिंग कराना चाहिए। इसके पीछे बहुत लेबोरेटरीज की फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत है। इंस्टेंट आपको अगर टेस्टिंग करानी है तो उसके लिए आपको साथ में एक कैपेबल लेबोरेटरी भी साथ में होना चाहिए, जो कि असल में पॉसिबल नहीं है। इसलिए जैसा भी कानून बना है उसके हिसाब से ही काम किया जा सकता है। मिलावट दो तरह की हो सकती है, एक तो हो सकता है कि एक सॉफ्ट मिलावट अगर हम उसके हैं कि केवल स्टैंडर्ड से वेरिएशन हो और उसको कंज्यूम करने से किसी को शारीरिक क्षति ना हो, हानिकारक ना हो। पेनल्टीज़ होती हैं जो 5 लाख रुपए तक हो सकती हैं। बिजनेस के स्केल को देखते हुए बहुत छोटे स्केल का है तो पेनल्टी कम होना चाहिए, बड़ा स्केल है कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर और ऐसा काम करता है तो उस पर ज़्यादा फाइन होना चाहिए, अप टू 5 लाख रुपये तक का विंडो है। लेकिन ऐसा कोई मिलावट है जिसमें शारीरिक क्षति होने की संभावना है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, 3 महीने तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये प्रावधान है। ग्राहकों और दुकानदारों को भी असली और नकली मावा की पहचान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मिठाई स्लो पॉइजन का काम करती है। लोगों के बीच इसे लेकर जागरूकता तो है लेकिन डर भी है, जिसके चलते कई लोग विश्वसनीय दुकानों से ही मिठाई लेना सही समझते हैं। तो वहीं दूसरी ओर जनता को शुद्ध के खिलाफ युद्ध खुद ही लड़ना होगा। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन मालवीय के साथ अंजलि सिंह की रिपोर्ट।